हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोग ठीक होंगे मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। और मैं यहाँ पे अनाउंस करने आया हूँ जो आगे वाला एक हफ्ता है हमारा, वो क्या क्या हम अपलोड करने वाले हैं जो हमने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा है। और इस अनाउंसमेंट के फॉर्म में मैं आपको पहले ही बताया, इसमें सर जो सबसे मेन चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं वो कुरियर फैसिलिटीज ही है। जो हमने अभी एक वीडियो डाला कल ही कि अनिल सर का जो श्री बालाजी बुक स्टोर से, उसी का एक पार्ट था, एक अच्छा पार्ट था, हमने अलग करके उसको अलग से डाल दिया। सर हमने नाम और नंबर उनका इसलिए नहीं बताया सर कि हमें पता था कि इस वीडियो के अंदर वायरल होने की क्वालिटी है। और जब एक पर्सन का वीडियो वायरल हो जाता है, उनके सामने उनके नंबर भी ऐड हो जाते हैं सर, तो आपके पास भी चॉइस नहीं रहती है। आप प्राइस कंपैरिजन कहाँ करोगे? आप उनसे ही फोन करके सब कुछ मंगाओगे, अगर वो जितनी रेटे चार्ज करेंगे आप उन्हें दोगे? बात समझ रहे आप मेरी? हालांकि दिक्कत तो नहीं का आदमी रहे वो बात नहीं है सर, बट एक जब एक इंसान की या एक इंस्टीट्यूट की मोनोपोली कायम हो जाती है किसी जगह पे, तो वो ठीक नहीं रहती है। तो हमारा बस मानना है कि प्राइस कंपैरिजन होना चाहिए। तो हमने पांच जो शॉपकीपर हैं अलग अलग, उन सबकी वीडियोज हैं, उनका फॉर्मेट ये रहेगा कि हम उनसे बात करेंगे पहले और उनसे कुछ सवाल करेंगे कि क्या प्रोसीजर है, प्राइस वगैरह क्या क्या नोट देते हो, फिर एंड में हम उनको बोलेंगे कि अपना कार्ड और नंबर दिखा दो, तो हम डिस्प्ले कर देंगे। तो सिर्फ पांच दुकानों के नंबर होंगे। फिर हमने ये तो क्या है सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने अलग से दुकानें फिल्म की है, वो हमने की है मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में भी हमने पांच दुकानें सेलेक्ट करी हैं सर, उन पांच दुकानों पर जाके हमने नोट्स एंड मेटेरियल को कैसे कुरियर करवाते हैं वो सेम वाले सवाल उनसे भी पूछे हैं सर। तो जो हिंदी मीडियम के आप हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ये ओल्ड राजेंद्र नगर वाला वीडियो आपके लिए नहीं है, आपके लिए हिंदी मीडियम का अलग से वीडियो आएगा जिसमें मुखर्जी नगर के बारे में हम बातें करेंगे। और हम बताएं कि हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया है सर। तो हमने थर्ड में हमने ब्रोकर से बातचीत भी करी है, ऑन कैमरा है सर वो, वाजीराम के सामने जो ब्रोकर खड़े रहते हैं उनसे बात करी, रेट्स वगैरह पता करने की कोशिश की है। फिर हमने सर बाजीराम के पास पास कुछ पेजेस दिखाए हैं बॉयज और गर्ल्स के, ताकि आपको प्राइस के बारे में जनरल आइडिया लग पाए। हमने पीजी के अंदर तक गए हैं और वहाँ रूम वगैरह भी दिखाए हैं और उनके जो वार्डन वगैरह उनसे बात भी करी है। फिर सर हमने मुखर्जी नगर में रेंट का प्रोसीजर बताया, हमने ब्रोकर से बात करने की कोशिश करी पर ये पॉसिबल हो नहीं पाया, तो हमने ब्रोकर्स की दुकानें वगैरह दिखाई हैं और प्रोसीजर क्या है वो हमने दिखाया है। फिर सर हमने मुखर्जी नगर को थोड़ा एक्सप्लोर भी किया है और वहाँ के आसपास का जो दृष्टि है, जब बैग जब छूटते हैं तो भीड़ वगैरह कितनी होती है, लाइफ कैसी, थोड़ा बहुत इस पर भी हमने बताया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट, हमने नेहरू विहार को थोड़ा फिल्म किया है। आपको पता होगा कि नेहरू विहार के अंदर ही दृष्टि वगैरह की कोचिंग्स हैं सारी, मुखर्जी नगर में तो उनके ऑफिस है सर, क्लासरूम तो नेहरू विहार वगैरह में है, तो स्टूडेंट्स सारे ज़्यादातर नेहरू विहार में रहते, तो नेहरू विहार के अंदर गलियाँ कैसी हैं वगैरह वो हमने एक्सप्लोर करके दिखाया है। ये सारी सर हमने रिकॉर्डिंग की है, और भी कुछ वीडियोज़ हैं सर जो हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं सर, बस उनको थोड़ा एडिट करके अपलोड करना है। अभी थोड़ा मैं थोड़ा सा फिलहाल बिजी चल रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मैंने सोचा था कि एक दिन में दो तीन वीडियो डाल दूंगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बट हाँ, जो ओल्ड राजनगर के अंदर से आप कुरियर कैसे मंगाओगे, जैसे अनिल सर का जो वीडियो था उस वीडियो के अलावा बाकी चारों जो पाँच लोगों का और वीडियो है वो होपफुली मैं आज शाम तक पब्लिश कर दूंगा सर, फिर भी अगर देरी हो जाए तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, बट वीडियो आ जाएंगे सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ और हम आपको इसी तरह नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली बहुत जल्दी ही आते हैं फिर से आपके पास।